बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद। वतरईज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड माशाल्लाह फिट फाट होंगे, ब्रीडिंग सीजन इंजॉय कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद जमान तारिक और मेरे साथ हैं मोहम्मद हसन। आज हम आए हैं जनावाला की एक छोटी सी तहसील है, छोटा सा एक गाँव है मिर्ज़ावाला, उसके अंदर माशाल्लाह फीडर फार्म एक छोटा सा माशाल्लाह यूनिक किस्म की एवरी को कवर करने के लिए आए हैं। और एवरी आप जैसा कि चेक कर सकते हैं फीडर फार्म के नाम से है। चले आएँ, आपको फीडर फार्म्स के जो ऑनर हैं माशाल्लाह उनसे मिलवाते हैं। माशाल्लाह एवरी तो आप देख ही रहे हैं, आपको दिखाते भी हैं कंप्लीट कि माशाल्लाह इनके बर्ड्स माशाल्लाह क्वालिटी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। और इनके जो माशाल्लाह लविश किस्म के जो केजीज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आप सुनाए सर, कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। माशाल्लाह आपकी जैसी एवरी वैसा ही आपने हमें प्रोटोकॉल दिया। आपकी मोहब्बत है जी, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, ये तो आपकी मोहब्बत है। जज़ाकअल्लाह। अच्छा तो सज्जाद भाई, माशाल्लाह आपको इस लव बर्ड हॉबी के अंदर कितनी देर हो चुकी हुई है? तकरीबन जी 3 साल हो गए माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो सज्जाद भाई, माशाल्लाह 3 साल के अंदर इतना ज़बरदस्त आइडिया कैसे आया? इतनी माशाल्लाह जो ज़बरदस्त एवरी जो कंट्रोल सिस्टम आपने किया हुआ है वो कैसे ही आपने सारे माइंड में आया आपके? बस जी ये तो शौक था, पहले तो काफ़ी छोटे लेवल से शुरू किया था। फिर मेरे भाई होते हैं बाहर सिकंदर, माशाल्लाह उनको बहुत शौक था, तो उन्होंने फिर ये बर्ड्स की कलेक्शन जमा की। ये केजेस वगैरह का डिज़ाइन उन्होंने किया, तो वो कहते थे कि जी बर्ड खुश रहना चाहिए, इतना केज को इतना साइज़ दिया जाए ताकि बर्ड अच्छी तरह फ्लाई कर सके, अच्छी तरह ब्रीड कर सके। तो ये बड़े भाई का ही सारा आइडिया था, बस हम इसको चला रहे हैं, बाकी सारा मैनेज वही कर रहे हैं। तो सज्जाद भाई, आपका मेरे ख्याल से जो पूरी एवरी है ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल पूरा कंट्रोल सिस्टम है। लाइट्स वगैरह इसमें, ये मॉस्किटो किलर्स लगे हुए हैं, जितना भी है ना ये सारा कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। 6 बजे शाम को लाइट्स ऑफ कर देता है, सुबह 6 बजे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ज़बरदस्त। मुझे एक आपका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम लगा कि आपने हेक्सा इंस्टॉल किया हुआ है जिसको आप गूगल के ऊपर कह रहे हैं कि लाइट्स ऑन लाइट ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे ही है जी, वो बस ये थोड़ा सा सिस्टम मैंने सोचा, मैंने कहा चलें ये कर लें, क्योंकि लेबर जो बंदा मैंने रखा हुआ सुबह कभी लेट हो जाता है तो लाइट्स ऑन होनी होती हैं सुबह, क्योंकि इन्होंने अंडे बच्चे दिए हुए हैं, इन्होंने फीड कराना होता है। तो फिर मैं मोबाइल से ऑपरेट करके लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, लाइट्स ऑफ कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो सज्जाद भाई, ये सेवरी के अंदर टोटल आपने कितने पेज रखे हुए हैं माशाल्लाह? तकरीबन जी मेरे पास 68 पेज हैं माशाल्लाह। 58 पेज हैं? 68 जी जी। ज़बरदस्त। म्यूटेशन के कितने हैं और आपके कमर्शियल कितने हैं? तकरीबन म्यूटेशन के मेरे पास तकरीबन कोई 40 to 45 पेज हैं जी, कमर्शियल के तो कोई तकरीबन मेरे पास 20 से 22 पेज हैं, बाकी कोई फॉस्टर्स हैं। ज़बरदस्त। तो सर ये केजेस का आइडिया आपको कहाँ से आया कि इस तरह केज होना चाहिए? केजेस का आइडिया जी ऐसे है कि शेखुपुरे में हमारे भाई हैं, वो हमारे केज का काम करते हैं, तो शुरू हुआ था छोटे केज से, उनसे बनवाने थे सीज़न से पहले, लेकिन फिर वो आइडियाज आते रहे भाई को कि इसको ऐसे कर लेते हैं, साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील जाली लगा लेते हैं, बॉक्स अंदर कर लेते हैं, तो ये सारा फिर करके तो आइडियाज़ आते रहे और फाइनली फिर ये एक फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये। इसका साइज़ और डेप्थ बता सकते हैं क्या सर? इसका साइज़ जो है ये 3 फीट इस चौड़ाई है इसकी, और 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है, और 1.5 फीट इसकी गहराई है, और 4 पोर्शन के अंदर है जी। 4 पोर्शन के अंदर 6 फीट का टावर है, 6 फीट में 4 पोर्शन है। ज़बरदस्त। तो ये बॉक्स आपने कब इंस्टॉल किए हैं अकेले आपने? ये बॉक्स तो ये इंस्टॉल ही रहते हैं अंदर, लेकिन इसके अंदर जो अगर आप देखें तो उसके अंदर ना एक शेड बना हुआ है, जब आपका ऑफ सीजन हो जाता है तो हम इसको कवर कर देते हैं, इसको आगे ले आते हैं। मतलब कि वो आपको कह लेंगे ना, वो एक संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है जी? नहीं नहीं, नया बनाने की जरूरत पड़ती है? हाँ नहीं जी, बस ये फिक्स ही रहते हैं, इनको निकाल के जब है वगैरह बच्चे वगैरह देखने होते हैं तो देख लेते हैं। तो ज़्यादा ही आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाटर प्रूफ शीट है। हाँ जी, हाँ जी, ये वाटर प्रूफ है, इसको हम धो भी लेते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, वाटर प्रूफ शीट है सारी। तो आई थिंक आपके जो बर्ड ज़्यादातर मेरे ख्याल से बॉक्सेस के अंदर हैं, तो कौन सा क्लच जा रहा है आपके पास? ये जी माशाल्लाह से अगर फोस्टर कर दिया पहला क्लच तो मैंने इनका सारा, दूसरा क्लच इनको खुद दिया हुआ है, और माशाल्लाह दूसरा क्लच में है, काफ़ी बॉक्सेस में अंडे हैं माशाल्लाह। तो अब ये जैसा कि पेड़ मौजूद है बॉक्स के अंदर जी जी, ये माशाल्लाह जी, इसने अभी नेस्टिंग वगैरह कर लिया, अब एक दो दिन में इंशाल्लाह ताला जी आएगी। हम आपके बर्ड्स दिखाते जाते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि माशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है इस वक्त ब्रीडिंग मोड के ऊपर हैं।
जी जी सारे बॉक्सेस के अंदर। मतलब माशाल्लाह आपके पास अपलाइन की वर्किंग ज्यादा है, जैसा कि आपने ब्राउन्स पहले बताया माशाल्लाह। डिल्यूट की ज्यादा वर्किंग है जी हमारे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जबरदस्त। मतलब ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है ये सारा आपका जो है म्यूटेशंस के अंदर? हाँ जी ये सारा म्यूटेशंस के अंदर है जी माशाल्लाह जबरदस्त। तो इसलिए सजा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपके इन केजेस को, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह ये लेंग पे आ चुके हुए हैं। हाँ जी हाँ जी ये लेंग है। ये आई थिंक आपका पेल फैलो वर्किंग का जी, ये डिल्यूट है साथ इसके, इसने भी हैंडलिंग की है माशाल्लाह। डिल्यूट पेल फैलो की वर्किंग का वर्ड है। हाँ जी फिर माशाल्लाह पांच इसने एंड दिए, पांचों के पांच फर्टाइल है माशाल्लाह। तो ये शफल क्यों नहीं किया आपने? नहीं ये पहला इसका जो मैंने हैश था ना वो करवा दिया था, फोस्टर कर दिया था, तो ज़्यादा फीमेल फिर ज़्यादा एग्ज की बीमार हो जाएगी, इसलिए एक क्लच हम फोस्टर कर लेते हैं, एक क्लच फिर इनके नीचे दे देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें आपके पास ब्लू फिशरीज भी माशाल्लाह क्वालिटी की नज़र आ रही हैं। हाँ जी ये बिल्कुल ऐसी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही है कि बर्ड की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। तो सर आपने तो ना ही सफाई के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर भी आपने कोई किसी किस्म की भी कह लें कि नरमी नहीं रखी हुई? नहीं जी बिल्कुल ऐसी है, इनको खुश रखेंगे तो ये हमें खुश रखेंगे बिल्कुल। ऑलमोस्ट माशाल्लाह सारे बर्ड आपके मेरे ख्याल से ब्रीडिंग के अंदर। हाँ जी अभी अब ये इसमें इसने दूसरा क्लच इसने भी देख लें, इसने भी एग्ज़ मतलब कि सेकेंड लिंग स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी ये देखें काफ़ी माशाल्लाह से चार चार पाँच पाँच एग्स सब में ही हैं तकरीबन ज़बरदस्त। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेकंड आपका क्लच चल रहा है और नीट एंड क्लीन आपके बॉक्स में। हाँ जी बिल्कुल ये उसके बाद ये बच्चे भी निकले हुए हैं इसमें माशाल्लाह। ये देखें इसके ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसके देखें बच्चे माशाल्लाह। ये पसनाटास का है माशाल्लाह? हाँ जी ये पसनाटा के बच्चे हैं ज़बरदस्त। इसने भी एग्लिंग कर दी है कल माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त नेस्टिंग की हुई है इसने। हाँ जी ये नेस्टिंग के तो ये अच्छा, इसकी सेकंड क्लच की लिंग स्टार्ट है। हाँ जी ये सेकंड क्लच है इसका जबरदस्त। ये भी आपका पेल फेलो वर्किंग का दे रहा है माशाल्लाह। हाँ जी पेल फेलो वर्किंग का दे रहा है जबरदस्त। मतलब फीमेल अभी फुल लोडेड है। हाँ जी ये माशाल्लाह जी एग्लिंग पे आ गई है माशाल्लाह। आपकी एवरी में देखा जाए आपने ग्रीन टू ब्लू बर्ड्स की वो जो है वो ज़्यादा आपने वर्किंग की हुई है। हाँ जी ये मेरा पुराना काफ़ी पेयर है माशाल्लाह, इसका एक क्लच फोस्टर हो चुका है, उसके बच्चे भी सेल्फ हो चुके हैं माशाल्लाह। पेल फेलो वर्किंग का। हाँ जी हाँ जी इसका भी माशाल्लाह, इसके भी है, इसकी फीमेल ने मेरे ख्याल से कल बच्चा निकाल लिया माशाल्लाह। अप्लाइन इनटू मेन ये देखें माशाल्लाह, थ्री एग्स के जो और हैं ये फर्टाइल हैं और एक बच्चा इसने निकाल लिया, मतलब हैचिंग स्टार्ट है माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह जी जबरदस्त। सर सबसे मजे की बात ये कि सेकंड क्लच है। हाँ जी बॉक्सेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन है जी, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा तो ये आपने सेकंड क्लच के लिए नेस्टिंग दोबारा देनी स्टार्ट की? हाँ जी दोबारा ही थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग रखते रहते हैं ताकि एक्टिविटीज़ करते रहें, फिर ये होता है ना मेल फीमेल को करने के लिए ना, फिर वो नेस्टिंग लेके जाता है ताकि वो फिर वो पेयर बाउंड होता रहता है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी। जैसा कि हमने आपकी एग एंड फूड की भी माशाल्लाह वीडियो बना दी है पहले ही, वो भी इंशाल्लाह अटैच करेंगे कि आपका क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कि आप हर चीज़ एक यूनिक तरीके के साथ कर रहे हैं। हाँ जी फूड में और इसमें सॉफ्ट फूड में, सॉफ्ट फूड में और फीड में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है माशाल्लाह, अच्छे से अच्छा खाना देते हैं इनको जबरदस्त। और ये आपका सारा जी ये अल्बाइनो रेड है, डकिनो, क्रिमिनो, ये भी मेरे ख्याल सारे बिजी हैं अपना। हाँ ये सारे हैं जी, इसके बच्चे निकले हुए हैं कुछ के एग्स हैं, इनको हम फोस्टर नहीं करते क्योंकि रेड आई होता है, तो रेड आई के नीचे ये देखिए रेड म्यूटेशन होती है। हाँ जी तो इनके नीचे ही आप पलवा रहे हैं इनको। हाँ जी हाँ जी ये इसके इसका एक एग था जिसने पहले दिया था तो दो एग्स दिए थे, एक इसका डेड इन सेल हुआ था, एक निकला था, तो एक मैंने फिर फोस्टर किया हुआ पेल फेलो का जी जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा मतलब कि फोस्टर और आपने कमर्शियल बर्ड मिक्सअप किए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो फिर फोस्टर कर देते हैं ना हम, ताकि वो फोस्टर जो है सामने है यहाँ पे सारे अल्बाइनो वगैरह है। सर ये कनेरी बर्ड नज़र आ रहा है सर, इसकी ना सिंगिंग बहुत अच्छी लगती थी इसलिए मैं लेके आया था, लेकिन ये लव बर्ड की आवाज़ के अंदर इसकी आवाज़ जो है ना दब गई वो दब गई है, तो फिर इसको छोड़ने का दिल नहीं किया। ये मेरे पास एक पेयर है तो ब्रीड नहीं ले रहे हैं आप इसके? ब्रीड पे आ गई? नहीं ब्रीड पे आप आएगी सर्दियों में, इसकी सर्दियों में इसकी जो है ना वो। और सर जी ये अंकल को तो हम देखते ही रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जी मेरे बड़े कार्य खास हैं जी माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने काफी संभाला हुआ है, सफाई पसंद बने, मतलब कि आपके एवरी पार्टनर हैं। हाँ जी ये समझ लें हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे पार्टनर भी हैं जबरदस्त। टिकटॉक पे हम ज्यादा इनको ही देखते हैं। हाँ जी यही है जी, यही यही सामने होते हैं, यही करते हैं जबरदस्त। शॉर्ट फूड वगैरह सारा इनको यही मैनेज, मतलब की सजाद भाई आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती? कोई टेंशन नहीं होती जी, अब हम चले जाते हैं जहाँ पे पहले ये होता था कि मुझे
खुद यहाँ रहना पड़ता था, कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता था तो बड़ा मसला होता था। सही, लेकिन तो मतलब कि सारा डिपेंड ऑन अंकल के ऊपर। हाँ जी, अंकल अब हैं तो बस सब कुछ रहता है, मतलब 100 फुट के बिना महीना ना कोई मसला नहीं, जबरदस्त आप इजीली मेंटेन कर लेते हैं जी। 100 फुट हो जाए, किसी किस्म का दाना पानी जो भी है, तो माशाल्लाह इनको आपने बताया होगा कि कौन से अपने मल्टीविटामिन और कौन से सारा कुछ इन्हें पता है जी। सारा सर, इसका मतलब है कि आप चाहे महीने के लिए भी जाएं, अंकल संभाल लेंगे। हाँ जी, अंकल पीछे संभाल लेंगे। शफलिंग भी करते होंगे अंकल जी लाजमी? हाँ जी बिल्कुल जी। माशाल्लाह, ये जी मेरे पास है पार ब्लू की फीमेल है, इसके साथ अल्बाइनो रेड आई का मेल है। ये पास लिनो निकालते हैं जी, ये देखें इसके बच्चे अंदर आपको नजर आएंगे। बॉस काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, अब इनको इंशाल्लाह ताला ये क्लच लेके तो बॉक्स को दोबारा री इंस्टॉल करेंगे। माशाल्लाह, ये तीनों तो नियर टू सेल्फ आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल। ये पैसोलिनो है कि डेकिनो है? सर ये पैसोलिनो है, और इनका जो है ये मैं आपको बताऊँ 28/9/2023 को पहला चेक निकला था। माशाल्लाह, तो ये एक महीने 3-4 दिन के हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सेल्फ होके बाहर निकलने वाले हैं। ये रेडी टू माशाल्लाह, मतलब कि ये आपका सारा सॉफ्ट फूड और आपकी जितनी भी मेंटेनेंस है, जितनी भी आपकी केयर के ऊपर है सारा, इसका मतलब कि आपकी हाउसिंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। हाँ जी सर, ये देखिए अब ये भी बच्चे, ये कमर्शियल नहीं है, ये म्यूटेशन है, ये रेड है। ये जी ये देखिए, इसने भी 2 एग लिंक कर दिए, जबरदस्त। ये केजेस है ना, ये मैंने लाहौर से बनवाए थे रॉबिन केजेस वाले से। सही। तो ये साइज में थोड़े छोटे हैं, ये मेरे पास पुराने थे, उसके बाद ये नए वाले केजी इंस्टॉल करवाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अब कोशिश है कि अगले सीजन तक ना सारे जो हैं यही इसी साइज के आ जाएं, और अभी नई बना रहे हैं इंशाल्लाह तो उधर फिर इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे आपका इरादा एग्जॉटिक बर्ड्स? जी जी, एग्जॉटिक बर्ड्स का भी है और साथ में इसको भी बढ़ाने का इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपने 2-3 किस्म की फ्लाइट केज रखे हुए, इनके बारे में बताइए। सर ये फ्लाइट है, जब बच्चे निकलते हैं सबसे पहले हम इनको ये छोटी बेबी केज लाइन में रखते हैं जी, फिर इसके बाद एक महीने बाद इसको इस बड़ी में ले आते हैं 5 फुट वाली में, उसके बाद 10 फुट वाली में ले आते हैं। सही, मतलब जैसे बर्ड की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप फ्लाइट चेंज करते हैं। फिर ग्रोथ भी अच्छी होती है इसकी, अगले सीजन के लिए रेडी भी ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह सज्जाद भाई, 3 साल के अंदर माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस। बस सर एक्सपीरियंस तो जितना हो कम है, वो तो 50-50 साल वाले भी यही कहे, अभी भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, मतलब कि अपग्रेडेशन भी आप साथ साथ कर रहे हैं माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इंडोर आपने प्लांट्स माशाल्लाह रखे हुए हैं एवरी के अंदर ही? हाँ जी, बस यही है, ये तो फिर लाइफ है ना, आपको पता ही है, इससे तो ग्रीनरी जो है वैसे ही अच्छी होती है बर्ड के लिए, इंसानों के लिए भी। अल्लाह ताला आपके सेटअप के अंदर मजीद बरकत डाले जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, जबरदस्त जी। सज्जाद भाई माशाल्लाह, हमें सबसे बेस्ट ये बताएं कि आपके जो बर्ड्स की खूबसूरती, उनके साइजिंग का जो राज है, जो सॉफ्ट फूड के अंदर है, वो क्या यूज़ करवा रहे हैं आप? सॉफ्ट फूड में जी हम ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको आज हम बताएंगे कि क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लें, ये ब्रीड प्लस है न्यूट्रोमैक्स की, ये लाहौर में तलब आई है, उनसे मैं मंगवाता हूँ। इसका रिज़ल्ट जो है ना माशाल्लाह, मैंने 2 सीज़न यूज़ किया है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसकी जो क्वान्टिटी है वो हम रखते हैं 5 ग्राम 1 kg के। सबसे पहले ना आपने ये पाउडर मिक्स करने हैं, ताकि ना अगर आप अंडे में ये इसको मिक्स करेंगे तो अंडे को ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ना फिर हम इनको पहले जितने भी कैल्शियम वगैरह वो पहले वो मिक्स, हाँ जी जो जितने भी पाउडर फॉर्म में है ना हमारे पास, उनको मिक्स करते हैं। ये देखें, ये वो ब्रीड प्लस था, ये कैल्शियम प्लस है, इसको भी आपने तकरीबन 5 ग्राम कर लेना। ये 5 ग्राम का मैंने रखा हुआ, मेरे पास वो चम्मच है जिसमें वो ग्रामेज होती है नोट, वो लेके आओ चम्मच, उससे फिर मैं अंदाज़ा लगा देता हूँ कि कितना चम्मच आएगा। इसके बाद ये जी ऑर्गेनो है, ये जो पिज़्ज़ा में लगती है, ये हमारे पास ये है, इससे मैं एक दफ़ा क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इस स्पून से ही करता हूँ। हाँ जी, ये मेजरमेंट स्पून रखा हूँ। ये ऑर्गेनो पाउडर है, ये जो पिज़्ज़ा में डलता है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 kg में आपने, हाँ 1 kg में आपने ये 1/2 स्पून डाल देना। उसके बाद ये आ गया एग फूड, एग बिस्किट फूड जो होता है ना, ये भी आप इनके, ये हम मंगवाते हैं जी जी, ये इसके अंदर, ये इसके 2 चम्मच डालने हैं आपने, मतलब इसके हाफ जो और जितने भी कैल्शियम वगैरह मल्टीविटामिन उनके अंदर ही मिक्स करना। हाँ जी, पहले इनको कर लेना, ताकि वो अंडा थोड़ा गीला होता है, वेट होता है, तो उसके साथ फिर ये चीज़ें जो है ना कैल्शियम, किसी को ज़्यादा चली जाती है, किसी को कम चली जाती है, ऐसा नहीं जी। हम सॉफ्ट एक दिन हम ये इसको सॉफ्ट फूड डालते हैं, ये एग और ये, और एक दिन हम इनको डालें और साथ में वेजिटेबल डालते हैं। ये पैलेट्स हैं जी, ये भी आपने 2 चम्मच डाले हैं, ये विटामैक्स ही है, ये भी विटामैक्स जी, ये तकरीबन 2 चम्मच हम डाल देंगे। उसके बाद ये कनेरी और गोल कंगनी है, ये भी आपने 2 चम्मच डाल देना।
हाँ जी आज एग फूड है, कल इंशाल्लाह हम इनको वेजिटेबल और दालें डालेंगे। ये जी ये जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बर्ड के लिए, ये भी तकरीबन आधा चम्मच आपने डाल लेना। उसके बाद ये कटल बोन फिश है, हाँ जी ये कटल बोन फिश है, ये भी आपने एक चम्मच डाल लेना। उसके बाद आप एक दिन डालते हैं अपना सॉस वगैरह और एक दिन डालते हैं हाँ जी एग फूड डालते हैं। ये जी हमने अंडों का जो अंडे हम उबालते हैं रोज़ उनका जो छिलका होता है उसका पाउडर बना लेते हैं हम, हाँ जी ये भी एक चम्मच डाल देना। ये है जी मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पाउडर लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसमें बेशक विटामिन होते हैं लेकिन इसमें एक होता है जिससे ना मोशन लग जाते हैं, अगर इंसान भी एक चम्मच खा लेना तो उसको भी मोशन लग जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना, एक किलो में एक चम्मच डालना बस। अब इन चीज़ों को आपने पहले मिक्स कर लेना, देखे ना ये आराम से मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल सही तरह मिक्स हो गई हैं। इसके बाद आपने इसमें दलिया दलिया ले लाओ, मतलब कि जौ का दलिया और गंदम का दलिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये डेली यूज़ करते हाँ जी नहीं एक दिन छोड़ के जिस दिन हम एग फूड बनाते हैं उस दिन ये बनाते हैं, अगले दिन ये नहीं बनाते, अगले दिन डालें उसके बाद सब्जियां चार पांच वो डालते हैं और उसमें हम मोरिंगा पाउडर डाल देते हैं, चम्मच दो चम्मच आपने ये डाल देना है और अंडे मिक्स करो और दो चम्मच ही आपने जौ का दलिया डाल देना। करो ब्रश, अब इसके बाद ये अंडे आपने क्रश करके डाल देने इसमें, जितने भी आपके हर्ब्स वगैरह हो गए हैं कैल्शियम विटामिन वगैरह वो मिक्स कर लेते पहले आप, हाँ जी वो ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अगर एग में आप मिक्स करेंगे ना वो किसी पार्टिकल को ज़्यादा लग जाएगा किसी को कम लगेगा, उससे फिर ये होगा कि अगर कोई बर्ड ज़्यादा वाला खा लेगा उसे मोशन लग जाएंगे तो कम वाला खाएगा उसकी न्यूट्रिशन नहीं पूरी होंगी, इसलिए जो आप ये यूज़ करवा रहे हैं एग हाँ जी एग और बिस्किट एक दिन यूज़ करवाते हैं, हाँ जी एग और नहीं वेजिटेबल में हम अंडे नहीं, हम अंडे हफ्ते में एक दिन ये डालेंगे एग और एक दिन सिर्फ डालें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक दो दिन पहले उसको हम भिगो देते हैं फिर उसको निकाल के खुश कर लेते हैं, रात को सुबह ग्राइंड करके उसमें सब्जियाँ मिक्स करके और साथ में उसमें मोरिंगा पाउडर डालते हैं बस, और कोई चीज़ नहीं डालते, और उस दिन हम फ्लैश डालते हैं, एक दिन हम फ्लैश डालते हैं और एक दिन हम ये कैल्शियम और ये ब्रीड प्लस जो मैंने आपको दिखाई है, अब ये देखो जैतून का तेल लो, अब ये देखें ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसको, मतलब कि आपका क्राइटेरिया बिल्कुल ही दूसरों से मुख्तलिफ है, हाँ जी हम सर एक दिन ये डालते हैं एक दिन वो, इस तरह ना इनकी न्यूट्रिशन पूरी रहती है, ज़्यादा भी एक दिन एक ही फूड रोज़ डालते रहेंगे ना तो बर्ड भी जो है ना वो भी आवाज़दार हो जाता है, अभी हम आप इसको डालेंगे आप देखिएगा ये खाएँगे कैसे, हालांकि आपने आना था इसलिए मैंने रात को फीड नहीं निकाली, हाँ जी मैंने सुबह फीड निकाली, अगर रात को निकाली होती तो और होता, ये करके ना जैतून का तेल जो है ना वो हफ्ते में दो दफ़ा आपने डालना है शॉर्ट फूड में, ज़्यादा नहीं डालना, इससे ये है कि एक बाउंडिंग नहीं होती, ये जैतून का तेल जो है ना ये आपने एक चम्मच डाल देना, हाँ जी बस ये ज़्यादा भी नहीं डालना, इससे ये होता है कि एग एग बाइंडिंग नहीं होती इसमें, जब आप खुशबू तो देख रहे होंगे कैमरे में तो नहीं आएगी लेकिन ये आपको पता लग रहा होगा, हाँ जैसे ना जैसे ही हमने ये शॉर्ट फूड डाला है तो माशाल्लाह से बर्ड जो है ना उसके उसको खाने के लिए आता है, ये अट्रैक्टिव है काफ़ी, इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि बर्ड सारी चीज़ें पसंद करता है, हाँ जी ऐसे हाँ जी ये चिक्स निकाले हुए हैं, कई कई इसमें चिक्स हैं कई में अंडे हैं तो हम ज़्यादा देर ना इनको वेट नहीं करवाते इसके लिए, ये जैसे ही आप डालेंगे हाँ जी ये जैसे सुबह 7 बजे 7:15 बजे हम ये सर्व कर देते हैं इनको, जी वह जैसा कि माशाल्लाह आपको फीडर फार्म का विज़िट करवाया सजाद भाई जो हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे तो मैंने कहा चले कोई नहीं वॉइस ओवर तो करते हैं,
तो इंशाल्लाह जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन के अंदर इंशाल्लाह मजीद ब्रीड आएगी, फिर आपको लेके आएंगे इनके साथ माशाल्लाह जो दिखाएंगे ब्राउन फैलो की ब्रीड भी दिखाएंगे, सारे बर्ड्स की आपको ब्रीड भी दिखाएंगे। आज का जो पर्पज़ था इनकी माशाल्लाह जो गांव के अंदर एक नेचुरल ब्यूटी के अंदर इन्होंने माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत फार्म बनाया हुआ उसका विज़िट करवाना था, केजेस दिखाएँ माशाल्लाह, इनके बर्ड्स आपको दिखाए, जो इनकी कंप्लीट वीडियो होगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जब ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तो आपको फिर दिखाएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और महमूद लहसन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।